बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अपने लेक्चर्स में क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड देयर डिटरमिनेंट्स वो अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो इस चैप्टर में हम दो किस्म के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वन रियल एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स के हवाले से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे जाते जाएंगे जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बारी आएगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहाँ पर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट अपना बराबर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर्स कहते किसे हैं। तो रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं यूनियन ऑफ All rational and irrational numbers, union of all real and irrational and irrational numbers is called या are called real numbers। कि मैथमेटिक्स में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं या जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का अगर यूनियन निकाला जाए, यूनियन निकाला जाएगा मतलब उन सारे नंबर्स को अगर मिलाया जाए तो सबको मिलाकर उन्हें नाम देंगे रियल नंबर्स का। अब मैथमेटिक्स में जितने नंबर्स हमारे सामने आएंगे उनमें कुछ रेशनल नंबर्स होंगे, कुछ इरेशनल नंबर्स होंगे। तो दूसरे अल्फाज में हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स को कि एनी नंबर About which we can think, कि हर वो नंबर जिसके बारे में सोचा जा सकता है उस नंबर को नाम देते हैं रियल नंबर का। हर वो नंबर जिसके बारे में सोचा जा सकता है उस नंबर को नाम देते हैं रियल नंबर का। अब हम रियल नंबर की कंपोजिशन के हवाले से जो डिफिनेशन थी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के यूनियन को रियल नंबर कहते हैं, तो हम यहाँ से रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पहले क्लियर करेंगे कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो इसे रियल नंबर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं नंबर्स विच कैन बी expressed in form of p by q where q is not equal to zero are called rational numbers। ऐसे numbers जिनको p by q के form में लिखा जा सके और q का zero न होना लाजमी है, p by q के form में लिखे जा सके और उसमें q zero न हो। तो इस डिफिनेशन में एक बात छुपी हुई है, जरा उस पर आप लोग गौर करें कि विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो ना हो, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो रेशनल नंबर्स की सारी कहानी इस बात में छुपी हुई है के डिनोमिनेटर का जीरो होने से क्या फर्क पड़ता है और डिनोमिनेटर का जीरो न होने से क्या फर्क पड़ता है। देखें, किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो मैथमेटिक्स के पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा मतलब मैथमेटिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर इसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। और जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो इसका कोई ना कोई जवाब आएगा तो वो कहलाएगा रियल नंबर। तो यहाँ से आप रियल नंबर का रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट यूं भी क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी नंबर किसी भी फॉर्म में हो अगर उसको हल करने से उसका कोई ना कोई मुनासिब जवाब निकले तो वो रेशनल है, अगर उसको हल करने से उसका कोई ना कोई मुनासिब जवाब न निकले तो वो इरेशनल है।
अब मुनासिब जवाब निकलने और न निकलने का क्या मतलब है? देखें, तीन किस्म के जवाब आएंगे। किसी भी नंबर को अगर आप सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन से अगर आपके पास तीन किस्म के जवाब आए, फर्स्ट ये है कि अगर किसी नंबर का जवाब आए होल नंबर में, किसी नंबर का जवाब आए अगर होल नंबर में, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख लेता हूँ √25। इसको आप हल करेंगे, इसका जवाब क्या आएगा? 5, ये होल नंबर, इन एग्जैक्ट फिगर इज आंसर। या यहाँ पर मैं लिखूँ 10/5 इज इक्वल टू 2, एक एग्जैक्ट फिगर आ रहा है आंसर में। तो इस नंबर को क्या नाम देंगे? रेशनल नंबर। कि किसी भी नंबर को हल करें, हल करने के बाद अगर उसका जवाब किसी होल नंबर में आए, एक एग्जैक्ट फिगर आए, मतलब डेसिमल एक्सटेंशन के बगैर पूरा जवाब आए, तो उस नंबर को नाम देंगे रेशनल नंबर का। दूसरा ये है कि अगर किसी नंबर को सॉल्व करें और उसका जवाब आए डेसिमल एक्सटेंशन में, उसका जवाब अगर डेसिमल एक्सटेंशन में आए, डेसिमल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट लगने के बाद भी अगर उसके कुछ पॉइंट्स आ जाए, तो अगर डेसिमल एक्सटेंशन में जवाब आए तो दो किस्म का जवाब होगा। उनमें एक जवाब होगा टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक दो पॉइंट्स और बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा और उसके बाद टर्मिनेट होकर खत्म होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डेसिमल एक्सटेंशन में किसी नंबर का जवाब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब आप उसको जितना भी खींचते जाए वो आगे चला जाएगा और टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी दो किस्म के होते हैं कि बस जवाब होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, मतलब डेसिमल एक्सटेंशन के बाद जवाब आगे बढ़ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डेसिमल एक्सटेंशन के बाद बार 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 वही आ रहे हैं, तो उसको नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। और नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा यह है कि कुछ नंबर ऐसे होंगे कि वो उनका जवाब डेसिमल एक्सटेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा, लेकिन वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, खत्म भी नहीं होगा और कुछ डिजिट्स बार बार आएंगे भी नहीं, मुख्तलिफ डिजिट से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी नंबर का जवाब होल नंबर में आए तो वो रेशनल है, अगर किसी नंबर को हल करने से उसका जवाब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन में आए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/4, तो 3/4 का आंसर क्या आएगा? 0.75, डेसिमल एक्सटेंशन है लेकिन दो डिजिट्स आगे बढ़कर ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। या अगर किसी नंबर का जवाब आए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का, फॉर एग्जाम्पल 10/3, इसका जवाब आप जितना भी बढ़ाएंगे आएगा 3.333333333, आगे पूरी दुनिया भर में इसका 3 खत्म नहीं होगा। तो देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, डेसिमल एक्सटेंशन के बाद एक डिजिट बार बार आ रहा है। तो और फिर तीसरा ये है कि किसी नंबर का जवाब ऐसे भी हो सकता है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिकरिंग भी नहीं होता। इसके अंदर एग्जाम्पल है 22/7, इसका जवाब आएगा 3.14, आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में इसका जवाब आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब यहाँ से रेशनल नंबर्स के कंसेप्ट में हमने शुरू में ये कहा था कि तमाम वो नंबर्स जिनको हल करने से उनका जवाब या तो होल नंबर फॉर्म में आए, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन में आए, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सटेंशन में आए, तो उन तीन किस्म के नंबर्स को नाम देंगे रेशनल नंबर। या इस फॉर्म में जवाब आए, या टर्मिनेटिंग फॉर्म में जवाब आए, या उसका जवाब होल नंबर के फॉर्म में आए, तो उसको नाम देंगे रेशनल नंबर। और किसी भी नंबर को हल करें, उसको हल करने से अगर उसका जवाब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आए, तो वो नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। इसके इरेशनल नंबर्स में आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, तो वो भी आएगा, इसका भी जवाब आएगा 2 पॉइंट आएगा, समथिंग बढ़ता जाएगा, बस ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में होगा, तो इसको भी नाम देंगे इरेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर उसको कहेंगे जिसको हल करने से उसका कुछ ना कुछ जवाब निकले।
और इरेशनल नंबर उसको कहेंगे कि उसको हल करने से उसका कोई मखसूस जवाब हमारे सामने ना आए। मखसूस जवाब ना आने का मतलब क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाए, तो उसको नाम देंगे इरेशनल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, इनको डिनोट करते हैं आर से, और रेशनल नंबर्स क्यू से, और इरेशनल नंबर्स ये क्यू के ऊपर एक प्राइम का निशान डालें, क्यू प्राइम लगाएं, तो ये डिनोट करता है इरेशनल नंबर्स को। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स आर इक्वल टू यूनियन रेशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। के रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अगर यूनियन निकालें तो इनके यूनियन से रियल नंबर्स आएंगे। अब जो रेशनल नंबर्स हैं, उन रेशनल नंबर्स के अंदर एक और छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझते हैं कि रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे छोटा जो जो सेट है रेशनल नंबर्स में वो है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो वन से शुरू हो और आगे इन्फिनिटी तक चले जाए, पॉजिटिव फॉर्म में। फिर नेचुरल नंबर जिन नंबर्स में आते हैं उन नंबरों को कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं और आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर्स जिन नंबरों में आते हैं उनको नाम देते हैं इंटीजर्स का। होल नंबर जिनमें आते हैं उनको नाम देते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में जीरो भी आएगा, +-1, +-2, +-3 और अप टू सो ऑन। मतलब जीरो भी आएगा, जीरो से बड़े नंबर भी आएंगे और जीरो से छोटे नंबर भी आएंगे। और इंटीजर्स जिस सेट में आता है उस सेट को नाम देते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स आते हैं रेशनल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे आएंगे रेशनल नंबर्स में। और यहाँ पर एक छोटा सा सेट बनाते ही इरेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स इन दोनों को अगर मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से जो एक बड़ा सेट बनता है उस सेट को नाम देते हैं रियल नंबर्स का। तो आज के लेक्चर में रियल नंबर्स का कंसेप्ट, साथ में रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।